मानव सर ने तो लिखा है यस, एंड व्हाई आर यू सिंगल, स्टिल सिंगल, नेशन वांट्स टू नो। आप मेरे साथ मेरी महबूबा की राइड पे चलोगे, सहिल जेरी, ये है हमारे जम्मू के इन्फ्लुएंसर। आई वांट टू गो ऑन डेट विद यू, व्हाट विल आई डू। सकता है अब मैं नाच के दिखा सकती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ऐसे करके, तो ये सब कर सकती हूँ, और ये भी आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, तो आप सब मुझे डेयर देना एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो डेयर कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, काफी ज्यादा गर्मी है और हम एक लिपस्टिक लगा के ऐसे शाम को वीडियो बना रहे हैं, कल तक हम अपलोड कर देंगे, रात को एडिट करेंगे। हाय गाइस, 2,000 years later। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं जवाब देने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स ने जितने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, और मैंने ये भी बोला था कि आपका नाम मैं मेंशन करूँ या ना करूँ, वो आप ज़रा बता दें मुझे। और जिन्होंने नो लिखा है उनका तो नहीं मेंशन करूँगी, जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा उनका भी नहीं करूँगी। एंड आई होप इस वीडियो में मेरी आवाज़ क्लियर होगी, पिछली वाली जो मैंने ऐसे वीडियो बनाई थी उसमें कुछ क्लियर नहीं थी मेरी वॉइस। और इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, मेंबरशिप ले सकते हैं, मेरी 3 memberships हैं, वहाँ पे जाके आप ज़रा देखें और मेंबरशिप लें। तो एले हसन 05 ऐसे हैं, और मानव सर, इन दोनों ने सिर्फ लिखा है यस। मानव सर ने तो लिखा है यस, तो इसलिए मैं इन दोनों की मेंशन कर रही हूँ आईडी, मतलब बोल के। एंड अब मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने जिम करना कैसे स्टार्ट किया, ये पूछा है अभिनव चौधरी ने। अभिनव जी, एक्चुअली मैंने जिम स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर से ही, कभी भी मैं कंटिन्यूसली मतलब कर नहीं पाई थी, तो फर्स्ट ईयर बीटेक की मैंने शुरू किया था। और जिम में मेरा इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि मैं फिटनेस की तरफ ऑलरेडी मतलब इंटरेस्टेड थी, मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ऐसे, मतलब फिट रहना मुझे पसंद है, सिंपल सी बात, इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट ओनली, और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में इसीलिए। मुझे किसी ने पूछा है रिप्लाई का मुहूर्त बताना, तो अभी तो सही मुहूर्त नहीं है रिप्लाई देने का, मुझे लग नहीं रहा एक्चुअली, मजाक अपनी जगह, बट मैं रिप्लाई नहीं दे सकती इतने लोगों को, मुझे बहुत मैसेज आ रहे होते हैं रिक्वेस्ट में, और हिडन रिक्वेस्ट भी बहुत होती हैं, और मैं जब तक आपको जानती नहीं मैं आपको रिप्लाई कैसे दे सकती हूँ, और मैं क्या रिप्लाई दूँ। और मेरे को मैसेजेस जो आए होते हैं ना, आप मुझे बताना कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद, आप अगर किसी ने कमेंट किया होगा तो ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, उनका रिप्लाई मैं क्या दूँ, इतने गंदे गंदे मतलब लोगों ने मैसेज किया था, हे आई वॉन्ट टू से समथिंग, ठीक है। और ये एक मैसेज उसने हर महीने में लिखा होता है, हर स्टोरी के बाद हर महीने, मतलब अगर आज 21 अप्रैल है, आज लिखा है, तो अगली 21 मई में भी उसने सेम ही डायलॉग लिखा होगा, हाय हेलो नहीं, मतलब बहुत अतरंगी लोग होते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं करता रिप्लाई करने का। आप नोएडा में क्या कर रहे हो और आप कौन से ऑफिस जाते हो? ठीक है, मैं नोएडा में जॉब कर रही हूँ, मैं TCS में हूँ, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आपका पैकेज कितना, मतलब आप अर्न कितना कर लेते हो? एक्चुअली मैं TCS में हूँ और मेरी प्रोफाइल है डिजिटल, ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं खुद ही, मेरी डिजिटल प्रोफाइल है सिस्टम इंजीनियर, और ज्वाइन किए हुए मुझे त्रिवेंद्रम की, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो तभी से ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। एंड व्हाई आर यू सिंगल, स्टिल सिंगल, नेशन वांट्स टू नो, स्टिल सिंगल, मतलब ओके फाइन, क्यों मरवाने पे तुले हुए ऐसे क्वेश्चन पूछ के, क्या क्या जवाब दूं मैं इन चीज़ों का? देखो मेरी नानी भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो मुझे ध्यान से जवाब देने, इवन कि पापा, मेन तो बंदे पापा है, पापा मम्मी दोनों देखते हैं व्लॉग, रिश्तेदार सारे देखते हैं, शर्म करो। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन बाय द वे, और ये सिंगल वाली बात नहीं है, हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं है, इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए बाद में, ठीक है। नॉट रॉन्ग, इनका नाम है बनय शर्मा, और इन्होंने पूछा आपका वेट कितना है। अब मैं सच बताऊं या झूठ मुझे ये नहीं पता, बट मैंने थोड़े टाइम जिम भी छोड़ी थी बीच में, तो मैं अब बता दो सच है या झूठ, मैं
बता रही हूँ ठीक है, 52 kgs है मेरा या नहीं है वो आप गेस करो कि मैं सच बता रही हूँ या झूठ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कआउट के बारे में बताओ। हाँ इससे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा वेट जिसने भी पूछा था, बल्क करेंगे, मैं गर्मियों में बल्क करने का ही सोच रही हूँ, वापस करूँगी बल्क। तो अब हम आते हैं बैक वर्कआउट पर। तो बैक वर्कआउट का एक्चुअली मैंने ना वीडियो बना रखी है बहुत पहले की, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगी, आप देख लेना, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, व्लॉग की, ट्रैवलिंग की अलग, जो त्रिवेंद्रम की है, और वर्कआउट की मैंने बना रखी है। आप मेरे साथ मेरी महबूबा की राइड पर चलोगे, साहिल जेरी, ये है हमारे जम्मू के इन्फ्लुएंसर साहिल जी, जेरी के नाम से भी आप सब इनको जानते होंगे, और ये काफ़ी फेमस हैं। आपकी बहुत कृपा हुई कि आपने हमसे कुछ सवाल पूछा। हाँ ज़रूर हम चलेंगे राइड पे, क्यों नहीं, पर अभी काफ़ी फासले हैं, हम बहुत दूर हैं। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? येस आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, और मैं बीच में तो इसमें बहुत रिसर्च कर रही थी और काफ़ी चीज़ें मुझे पता लगी हैं, और मैं इन चीज़ों में हूँ एक्चुअली। एक तो रिलीजियस भी हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ, न्यूमरोलॉजी में भी हूँ, मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। सो या ओके, तो किसी ने मुझसे पूछा है कि आप कहाँ से हैं, तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को वैसे पता ही होगा, और जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जम्मू से हूँ, जम्मू, जय डुग्गर, ठीक है। और मैं डोगरी हूँ, हमारी वहाँ की लैंग्वेज डोगरी है, जिसको नहीं पता वो सर्च कर सकते हैं। और कश्मीर और जम्मू अलग अलग है, ये भी मैं बता दूँ। और मैं डोगरा राजपूत हूँ। तो दानिश ने मुझसे पूछ रहा है, मतलब पूछा है दानिश ने कि आदित्य के साथ आपकी सबसे अच्छी मेमोरी। यार आदित्य मेरा भाई है, जो उसके साथ मेरी सारी मेमोरीज अच्छी हैं, मतलब टच वुड, वुड कहाँ है, एक मिनट। तो मतलब मेरे भाई के साथ मेरी बड़ी अच्छी बनती है, और मैं चाहती नहीं कि नज़र वज़र लगे हमारी, और उसके साथ मेरी मेमोरीज मतलब हाँ स्कूल की याद है मुझे, वो जब भी लंच होता था तो वो मेरे पास आता था, और मेरे सारे क्लास के जो लड़के होते थे वो उसकी चीक्स पुल करते थे, क्योंकि वो भी ऐसे गोलू मोलू से क्यूट सा है, तो वो आता था ऐसे करके, दीदी अच्छा फिर समोसा खाना, यार वो मारेगा मुझे, ये बात बता रही हूँ मैं सबको, तो आपके पास है क्या पैसे दीदी, वो समोसा खाना मुझे, फिर मैं उसको पैसे देती थी, क्योंकि मैं बचत वाली थी, तो मेरे पास होते ही थे पैसे, तो वो हर लंच ब्रेक में आ जाता था, और जब भी आता था बेचारा, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे लड़के, तो क्लासमेट्स उसके चीक पुल करने शुरू हो जाते थे। ये ऐसे मुझे रैंडमली याद आ गया तो मैंने बता दिया, वैसे तो बहुत कहानी है, मेरा भाई अच्छा है। मे टू अ लॉन्ग ट्रिप टू कोरिया, तेरे जीजू से मिलना है। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे बोला गया है मेरी बहन के द्वारा, और सिंधी दीदी या हम किसी दिन ज़रूर जाएंगे, पैसे आने दो मेरे पास, जिस दिन पैसे होंगे मैं आपको ट्रिप पे ले जाऊंगी, आपको क्या मतलब, पहले मम्मी पापा क्रिशु और मतलब आदित्य विनीत को भी ले जाएंगे, सब कजन्स को भी ले जाऊंगी मैं, ठीक है, सब चलेंगे, हम भी चाहते कि हम अपने जीजू से मिलें। गाइज मेरी बहन BTS की बहुत बड़ी फ़ैन है, और वो रोज़ के दिन काउंट करती हैं कि वो गए हुए हैं ना, ये BTS आर्मी की मेंबर हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इतना, वैसे गर्मी बहुत है यार। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? यार कसम से बताऊँ, मतलब मेरे दिल की बात है ये कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, बट आसार मुझे लग नहीं रहे कि मेरी लव मैरिज होगी, लग रहा है अरेंज ही होने वाली है, बट ये तो दुखती पाँव सॉरी दुखती नस पे पाँव रख दिया। है कभी कि यू हरीडली बॉट समथिंग एंड रिग्रेटेड? बहुत बार होता है, और जब भी कुछ मैं बाय करने जाती हूँ ना, तो उससे पहले तो मैं 100 बारी सोचती हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं देखूंगी लू नहीं लू, लू नहीं लू, अगर वो मुझे सस्ता सा दिखा और टिकाऊ भी लगा और वो जेन्युइन चीज़ है मेरे लिए, तो ठीक है मैं ले लूँगी, लेकिन ऐसे अगर मैं कहीं DMart या ऐसी वैसी जगह चली गई तो मैं फॉल शॉपिंग कर लेती हूँ, वहाँ पे मेरे को रिग्रेट होता है,
कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादातर सामान ऐसे ही लेती हूँ जो काम आ ही जाता है, चाहे 10 दिन बाद ही काम आएगा लेकिन आ जाएगा। खर्चीली हो गई हूँ यार मैं बहुत, के मार्क्स मैं नहीं बता रही यार, मुझे खुद ही याद नहीं है। आदित्य ने पूछा है, ये मेरा भाई नहीं है मतलब, ये किसी और ने पूछा है 12th के मार्क्स, यार मैं बता रही हूँ मुझे बता। आई वॉन्ट टू गो ऑन डेट विद यू, वट विल आई डू दैट यू विल से येस? फिर जाना है और आप चाहते हैं कि मैं येस बोल दूँ, तो आपको सबसे पहले पापा के पास जाना पड़ेगा। पापा से पहले ही परमिशन ले लीजिए, फिर उसके बाद मेरे पास आइए और मुझे बताइए कि आपके पापा मान चुके हैं। एंड देन या मैं डेट पे जाने के लिए भी रेडी हूँ, मैं उस टाइम आपको येस भी बोल दूंगी। तो कॉन्टैक्ट करें मेरे पापा, मम्मा, मेरी नानी को। भाई रह गया, भाई से भी कर लेना बात, ठीक है? डन, मैंने सोल्यूशन बता दिया, अगर आपसे हो सकता है तो आप कर सकते हैं। समथिंग गुड अबाउट योर ब्रदर, ये किसने सवाल पूछा होगा? ये तो बहुत ही ऐसे सवाल है कि मैं जान ही नहीं सकती कि किसने बोला होगा। ऑब्वियसली ये मेरा भाई है और वो चाह रहा है कि मैं उसकी तारीफ करूँ, ऐसे वो तारीफ के हकदार तो है। पर मैं इधर तारीफ नहीं करूँगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं नहीं करने वाली कोई तारीफ वारीफ। हाँ अच्छा भाई है मेरा, काफ़ी अच्छा भाई है और काफ़ी सपोर्ट करता है। मेरी फैमिली भी मतलब काफ़ी सपोर्टिव इसी के थ्रू हुई है। यही क्या करता है कि स्टार्टिंग में भी यूट्यूब जब शुरू किया था तो इसने बेनिफिट्स बताए थे, जैसे मम्मा को बताया कि अगर दीदी व्लॉगिंग शुरू करेगी तो क्या होगा, दीदी रोज़ के जैसे व्लॉग बनाती जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो आप देख सकते हो कि दीदी कहाँ और क्या और कब मतलब क्या कर रही हैं। तो मम्मा को भी पता लगता जाएगा, पापा को भी पता लगता जाएगा। पापा तो अभी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे व्लॉग्स में, नानी को भी अभी पता लगा है तो नानी भी देखती रहती हैं। तो या ऐसी ट्रिक्स, मेरा भाई छोटा है, मेरा भाई फिर भी दिमाग लगा लेता है, बड़ा हो गया। अच्छा लगा, गिव इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू। करनी हो तो क्या करना पड़ेगा आपसे? अच्छा जी, अगर आपको मुझसे शादी करनी है, मैंने वैसे ही ये बता दिया है पिछली क्लिप में कि आपको मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी, मेरी फैमिली वाले मानेंगे तभी शादी हो पाएगी। दैट्स वाई आई एम नॉट डेटिंग एनी वन। ओके बाय गाइज, सवाल अभी बच चुके हैं, पर इफ यू वॉन्ट कि मैं पार्ट टू लाऊं देन गाइज प्लीज कमेंट डाउन। और जो कमेंट करते हैं मैंने हिडन पे रखे हुए हैं, अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं उनको पब्लिश कर देती हूँ। और आप इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, मैं इंस्टा पे आपसे बात कर लूंगी, डोंट वरी। आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए कि मैंने आपको डीएम कर दिया इंस्टा पे, तो मैं आपका उधर ढूंढूंगी कि आपने कहाँ पे मैसेज किया मेरे को और मैं देख लूंगी, ठीक है? आई विल रिप्लाई। ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकूँ, क्योंकि अकेला बंदा वीडियो में क्या ही मजेदार कर सकता है। अब मैं नाच के दिखा सकती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ऐसे करके, तो ये सब कर सकती हूँ। और ये भी आपको ओवर एक्टिंग लग सकती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एंटरटेन यू गाइज, एंड नेक्स्ट वीडियो यार मैं वर्कआउट की जरूर डालूंगी। वर्कआउट का प्रॉब्लम ये होता है कि मैं ये स्टैंड लेके नहीं जा सकती, और मैं यूजुअली ऑफिस में वर्कआउट कर रही होती हूँ, तो वहां पे जाके ऐसे फिल्म करना, वीडियो बनाना, इट्स थोड़ा डिफिकल्ट। और कभी कभी मैं अकेले वर्कआउट कर रही होती हूँ तो हो जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वर्कआउट की वीडियो लाऊं। एंड स्पेशली जैसे किसी ने मुझसे अभी बैक के लिए पूछा था, तो मैं बैक की सबसे पहले लाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? और तब तक के लिए आप अपनी डाइट पे भी ध्यान रखें, फिटनेस पे भी ध्यान रखें, टेक केयर। येलो बैनर बिकॉज आई एम सपोर्टिंग CSK, यस आई एम इन टू क्रिकेट ऑल्सो। जिन लोगों को नहीं पता होगा, क्रिकेट भी काफी देखती हूँ, मतलब घर पे होते हैं तो घर पे तो पापा मेरे भाई लगे होते हैं, क्रिकेट देख रहे होते हैं। एंड इवन कि हमने तो स्टेडियम में जाके टेस्ट मैच तक देखा है। या गाइज, IPL छोड़ो, हमने टेस्ट मैच देखा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ, अगर इसका पार्ट टू नहीं आता, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं सोच रही हूँ, नॉट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इंस्टा पे आप सब मुझे डेयर देना, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो डेयर कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, राइट? तो डेयर वाला अच्छा है, आप सबको भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी इंटरेस्ट आएगा फिल्म करते हुए, वीडियो बनाते हुए।
गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड वन मोर थिंग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेंबरशिप ले लेना प्लीज. बाय बाय.